स्थानीय भमावत चौराहा कुंभराज में छात्र संगठन डीएसओ के नेतृत्व में छात्रों के द्वारा हैदराबाद रेप पीड़िता डॉक्टर प्रियंका रेड्डी व अन्य पीड़िताओं के न्याय की मांग पर शराब नशा व अश्लीलता को बंद करने की मांग पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए छात्र संगठन डीएसओ के जिला कार्यकारिणी सदस्य साहिल खान ने कहा कि इन घटनाओं ने समाज के जनमानस को झकझोर रख दिया है। ऐसे दरिंदे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा अविलंब देनी चाहिए। जिला सचिव नारायण चंदेल ने कहा कि समाज में सभी आम जनमानस को ऐसी घटनाओं के प्रतिवाद करना चाहिए। कार्यकर्ता संतोष मीणा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। छात्रा शिल्पा व मुस्कान ने भी आरोपियों को फांसी देने की मांग की। कुमरा से ग्राउंड रिपोर्टर रामहित बारेलिया की रिपोर्ट। सर की अभी हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी एक डॉक्टर थी, उनके साथ चार लोगों ने वहाँ बलात्कार किया और उसको जिंदा जला दिया। उसके विरोध में ये ऑल इंडिया डीएसओ की तरफ से यहाँ एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारी ये मांग है कि जो दोषी हैं उनको तत्काल फांसी की सजा दी जाए। और सिर्फ वो ही नहीं, और जो तमाम देश में अलग अलग तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं उनमें जो लोग दोषी हैं उनको भी तत्काल सरकार जो है सख्त से सजा दे। साथ ही हम इस विरोध प्रदर्शन से ये मांग भी कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं के लिए जो जिम्मेदार जो चीज़ें हैं जैसे शराब, इसमें नशा, अश्लीलता, अपसंस्कृति, इसको भी सरकार सख्त रूप से अभी बंद करे।